हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को KTM 250 एडवेंचर के बारे में बताऊंगा। KTM 250 एडवेंचर में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, प्राइस क्या होने वाला है, माइलेज और कलर वेरिएंट कौन कौन से। तो अगर आप KTM के न्यू KTM 250 एडवेंचर के सारे फीचर को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने KTM 250 एडवेंचर पे भी एक वीडियो बनाया हुआ था जब KTM 250 एडवेंचर लॉन्च भी नहीं हुई थी। उस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है वो मैक्सिमम हद तक सही साबित हुआ है। तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे तो KTM की और भी बहुत सारी बाइक्स लॉन्च होने वाली है, तो अगर आपको KTM के बाइक्स में इंटरेस्ट है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं ऐसे ही बाइक रिलेटेड कंटेंट पे वर्क करता हूं, बट फिलहाल अभी हम KTM 250 एडवेंचर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं KTM 250 एडवेंचर और 390 एडवेंचर के बीच क्या कुछ डिफरेंस है उसके बारे में भी बताऊंगा, बट अभी 250 एडवेंचर के बारे में ही डिटेल्स में जान लेते हैं। सबसे पहले इसके इंजन से स्टार्ट करते हैं। KTM 250 एडवेंचर में 248.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड V6 कंप्लायंट इंजन को यूज किया गया, जो कि KTM ड्यूक 250 से सिमिलर है, जिसमें आपको 9000 आरपीएम पे 29.5 एचपी का पावर और 7000 आरपीएम पे 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। इसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स भी देखने को मिल जाता है, जो कि 9 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो आपको डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है, फ्रंट में 320 एमएम और रियर में 230 एमएम का डिस्क प्लेट देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में 43 एमएम की WP एपेक्स के USD सस्पेंशन और रियर में WP एपेक्स के एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन को यूज किया गया। KTM 250 एडवेंचर स्टील टेरिस फ्रेम बेस पे बना हुआ है, जो कि KTM 390 एडवेंचर में भी सेम है। आपको लुक वाइज दोनों बाइक में ज्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिलेगा। देखने में दोनों बाइकों का सेम लुक और सेम डिजाइन दिया गया, बट फिर भी 390 एडवेंचर और 250 एडवेंचर में भी कुछ डिफरेंट है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को वो चीजों के बारे में बता देता हूं जो हमें 250 एडवेंचर में मिल रहा है। KTM 250 एडवेंचर के फ्रंट में 19 इंच के अलॉय व्हील को दिया गया। वहीं टायर साइज की बात करें तो फ्रंट में 110/90/19 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं और रियर में 130/80/17 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, और ये दोनों टायर MRF के टायर होने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्रंट में 19 इंच का अलॉय व्हील मिल रहा है और रियर में 17 इंच का अलॉय व्हील मिल रहा है। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि शायद हमें 250 एडवेंचर में थोड़ा छोटा सीट हाइट देखने को मिलेगा, बट KTM 250 एडवेंचर में आपको सेम 390 एडवेंचर का ही सीट हाइट मिलेगा, जो कि 858 mm है, जो मिनिमम 5 फुट 8 इंच वाले बंदे हैं इसको कंफर्टेबल राइड कर पाएंगे। जो 5 फुट 5 इंच से लेकर 5 फुट 7 इंच के बंदे हैं वो इसको उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। आप एक साथ दोनों पैर नीचे नहीं रख पाएंगे, आपको एक साइड का पैर उठाना ही पड़ जाएगा। जो लोग सोच रहे थे कि KTM 250 एडवेंचर में सीट हाइट कम होने वाला है, तो भाई आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। बट आपको मैं इसका एक सलूशन बता सकता हूँ, या आप इसको एक मेरा हिंट समझिए। KTM 125 एडवेंचर भी आने वाली है जिसमें आपको सीट हाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप एक्साइटेड है KTM 125 एडवेंचर को लेकर, तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दे। मैं जल्दी इस पे वीडियो लेकर आने वाला हूं। KTM 250 एडवेंचर में 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि 390 एडवेंचर में भी सेम है। आपको 250 एडवेंचर में 390 एडवेंचर का 70% पार्ट्स मिलता जुलता मिल जाता है। इस बाइक में आपको 1430 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। ड्राई वेट की बात करें तो 156 kg होने वाला है। इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, और अगर आप इसके पेट्रोल टैंक को पूरा फुल करके जाते हैं, मतलब 14.5 लीटर का फुल पेट्रोल भरवा के राइड करते हैं, तो आप 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। KTM 250 एडवेंचर में आपको 130 प्लस किलोमीटर पर आवर का स्पीड मिल जाएगा। अब चेंजेस की बात करते हैं, 390 एडवेंचर से 250 एडवेंचर में क्या कुछ चेंज मिल रहा है। फर्स्ट चेंज है लाइट। आपको 250 एडवेंचर में हेलोजिन बल्ब मिलेगा, जो कि 390 एडवेंचर में LED मिलता था। 250 एडवेंचर में आपको 2 DRL भी मिल जाता है। सेकेंड चेंज की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। 250 एडवेंचर में कलर TFT कंसोल देखने को नहीं मिलेगा, जो कि 390 एडवेंचर में कलर TFT स्क्रीन था। थर्ड चेंज की बात करें तो आपको 250 एडवेंचर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि होना चाहिए था, क्योंकि अभी मैक्सिमम बाइक्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आपको अपाचे आरटीआर 200, डोमिनार, ऐसे कई सारे बाइक हैं जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। तो मुझे KTM 250 एडवेंचर में ये बिग मिस्टेक लगा। इस बाइक में आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, एडजस्टेबल विंडशील्ड भी देखने को मिल जाता है। इंजन बेस गार्ड में भी मेटल का यूज किया गया है। इसमें आपको स्लिपर क्लच भी मिल जाता है। आपको 390 एडवेंचर में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता था, बट 250 एडवेंचर में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं दिया गया है।
तो यही कुछ कारण से KTM 250 एडवेंचर में कॉस्ट कटिंग करते हुए मार्केट में उतारा गया है। 250 एडवेंचर में नॉन एडजस्टेबल लीवर मिलता है, मतलब आप 250 एडवेंचर के दोनों लीवर्स को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। 250 एडवेंचर में क्विक शिफ्टर को भी नहीं दिया गया है, जो कि ये होना चाहिए था, इतना कॉस्टली बाइक है तो मेरे हिसाब से ये कम से कम क्विक शिफ्टर को तो देख सकते थे। 250 एडवेंचर में आप रियर ABS को मैन्युअली ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। कंसोल में आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट जैसे बेसिक जो डिटेल्स होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे, डिजिटली देख सकते हैं। फ्रंट इंडिकेटर में LED यूज किया गया और रियर के टेल लैंप और इंडिकेटर में भी LED की यूज किया गया। कलर वेरिएंट की बात करें तो इस बाइक में आपको दो कलर वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, एक ऑरेंज और दूसरा है ब्लैक। तो ये दो कलर वेरिएंट आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये थे KTM 250 एडवेंचर के कुछ डिटेल्स। अब बात करते हैं इसके प्राइस को लेकर। तो KTM 250 एडवेंचर का एक्स शोरूम दिल्ली का जो प्राइस 248,256 रुपीज है, जो कि लगभग ऑन रोड 290,000 तक हो सकती है। 250 cc के हिसाब से थोड़ा ये कॉस्टली है, बट आपको भी पता है कि KTM की सारी बाइक महंगी आती है। सो आई होप आपको KTM 250 एडवेंचर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।